हेलो फ्रेंड, इस गणपति के पावन अवसर पर आज हम बनाने जा रहे हैं आटे से बना मोदक। बहुत ही हेल्दी, बहुत आसान है। आपको तो पता ही होगा कि गणपति जी को मोदक बहुत ही पसंद है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं आटे से बना मोदक। तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पहले शुरू करते हैं आटे से बना हुआ मोदक। तो कढ़ाई को मैंने गैस पे ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक छोटी कटोरी से मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी एक साथ नहीं डालिएगा, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है और थोड़ा घी बचा के अभी रख लिया। घी जैसे मेल्ट हो जाए इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कटोरी आटा, जो नॉर्मल आटा होता है, जो हमारे घर में रोटी बनाते हैं वही आटा है ये। तो धीरे धीरे करके इसमें हम आटा ऐड करेंगे और चलाते भी जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम रखा है क्योंकि आटा जो है थोड़ा देर से ब्राउन होता है, इसीलिए हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से आटा आपका तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से थोड़ा कच्चापन इसमें रह जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से धीरे धीरे करके चलाइए और आटा भी डालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा आटा इसमें डाल दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन होने तक वेट करते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट देखिए इसे चलाने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी और हमें इसे थोड़ा गोल्डन करना है। तो अब हमने जो घी पहले से थोड़ा सा बचा रखा था, पहले हमने 2 बड़े चम्मच डाला था, अब इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने कहा था एक साथ सारा घी मत डालिएगा। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने वापस घी डाला है और इसे साइड से लेते हुए चलाएंगे। और देखिए जब हम चला रहे हैं इसे तो ये थोड़ा सा मेल्ट होने लग गया, लिक्विड फॉर्म में हल्का हल्का आ गया है। तो इस स्टेज तक हमें भूनना है इसे। इस मिश्रण से आप देख रहे होंगे कि घी सेपरेट हो गया, बहुत थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया है और कलर भी ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कूटा हुआ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, इसमें काजू बादाम है और आप चाहे तो पिस्ता भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर ला रहा है ताकि बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाए। और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक फिर वापस हम अच्छी तरह से सेकते हैं। अब इसमें मैं 1 छोटी कटोरी से डेजिकेटेड कोकोनट इसमें ऐड करूँगी, बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। और डालने के बाद इसे हम चलाते हैं 1 से 2 मिनट और गैस को यहाँ पे अब हम बंद कर देंगे। साइड से लेते हुए चलाइए। तो अब देखिए ये जो लिक्विड फॉर्म में था ये थोड़ा ड्राई हो गया। अगर आपको इस स्टेज पे थोड़ा ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें वापस थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा दूध के छींटे डाल दीजिए इसमें। ये एक बहुत ज़रूरी टिप्स है अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में आपको लगे तो, लेकिन मेरा तो मिश्रण एकदम परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब इसे रखते हैं साइड। अब एक दूसरा पैन लिया है और इस मिश्रण में अब हम डालेंगे गुड़। तो मैं जो आज आटे का मोदक बना रही हूँ बहुत हेल्दी बना रही हूँ, गुड़ से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 बड़े चम्मच गुड़ को डाल दिया है गर्म होने के लिए। गुड़ को हमें मेल्ट करना है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है इसे। हल्का सा जब मेल्ट हो जाए तो गैस को यहाँ पे बंद कर देना है। तो ये देखिए गुड़ अच्छी तरह से हमारा ये मेल्ट हो गया है। अब जो हम मिश्रण पहले बनाए थे उसमें ये गुड़ को ऐड कर देना है। तो गैस को मैंने बंद ही रखा है, अब ये जो गुड़ है हमारा मेल्ट हुआ है वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाते हैं ताकि सभी चीज़ में ये गुड़ अच्छी तरह से मिल जाए, मिश्रण हमारा परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गुड़ डालने के बाद अच्छी तरह से इसे दबाते हुए चलाते हैं और ये हमारा मोदक का मिश्रण तैयार है। अब चलते हैं मोदक बनाने के लिए। मिश्रण को मैंने प्लेट में रख दिया और जब हल्का गर्म हो, जितना आप अफोर्ड कर सके छूने लायक, तब आप इसे बनाइए। तो यहाँ पे मैंने मोदक का मोल्ड लिया है, बड़े आसानी से बाज़ार में मिल जाता है और इससे सेब भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी देखिए क्या किया, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया ऑलरेडी पहले। अब इस तरह से डालेंगे और इस तरह से ऊपर का भी लेयर आपको बंद कर देना है। अब नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और पुश करते जाइए ताकि अच्छी तरह से दब के ये निकल जाए। मोदक के अंदर सारे मिश्रण अच्छे से दबा के मैंने फिल कर दिया। अब चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। तो हल्के हाथ से इस तरह से इसे ओपन करते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया हेल्दी हमारा मोदक बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसमें आटा गुड़ का यूज़ किया है। तो इसी तरह सारे मोदक हम बना लेंगे। तो ये लीजिए आटे से बना हुआ मोदक तैयार है, आप भी घर में इसे ट्राई करिए, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है।
अगर आपको ये आटे से बना मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।